नमस्कार, मैं अब्रानुल हक रहमानी, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से महाराष्ट्र में राज ठाकरे को अपनी पाले में साधने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर एक बड़ा झटका जो उद्धव ठाकरे के द्वारा दिया गया, उनको उद्धव ठाकरे ने दबी जबान में ही सही लेकिन ये बात कह करके एक इशारा जरूर कर दिया है कि आने वाले दिनों में राज ठाकरे जो है वो शिवसेना के साथ आ सकते हैं। यानी कि महाराष्ट्र के वो फायर ब्रांड नेता जिनके भाषण को सुनने के लिए महाराष्ट्र के दूर दराज के लोग भी उस मंच के सामने खड़े हो जाते हैं, चाहे वो मंच महाराष्ट्र के किसी भी हिस्से में सजा हो राज ठाकरे के लिए, लेकिन राज ठाकरे का जो भाषण होता है वो लोगों में जोश भर देता है। और ऐसा नेता अगर शिवसेना में शामिल हो जाता है तो फिर शिवसेना की चांदी हो जाएगी, क्योंकि शिवसेना में इस तरीके का फायर ब्रांड नेता फिलहाल तो नहीं है जब से उनकी पार्टी में बड़ी बगावत हुई है। तो शिवसेना पार्टी के अध्यक्ष जो है उद्धव ठाकरे, उन्होंने ये बड़े संकेत दे दिए हैं कि राज ठाकरे उनकी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और राज ठाकरे जब शामिल होंगे तो जाहिर सी बात है कि उनके बेटे अमित ठाकरे भी शिवसेना का दामन थामेंगे। और दो युवा लीडरों के साथ, दो युवा लीडर की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक तो आदित्य ठाकरे और दूसरे अमित ठाकरे, दो युवा लीडर के साथ महाराष्ट्र में शिवसेना एक नई ताकत के साथ उभरेगी। और फिर एकनाथ शिंदे जैसे दगाबाज नेता जो कि कभी महाराष्ट्र में शिवसेना के लिए बोला करते थे, शिवसेना के लिए हमेशा रोड पर तट पर खड़े रह करके शिवसेना की आवाज़ में आवाज़ मिलाया करते थे, अब वो दूसरी तरफ की बोली बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की बोली बोल रहे हैं। और ये भी आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से मेल खाते हैं, और इसलिए हमने उद्धव ठाकरे की जो विचारधारा बदल गई है उसको एक तरीके से नकार के हमने इस विचारधारा के साथ जाने का फैसला कर लिया। लेकिन आने वाले समय में जो चुनाव होंगे ना, उसमें ये बात साबित हो जाएगी कि विचारधारा किसके साथ चल रही है और कौन विचारधारा के साथ चल रहा है, क्योंकि ये तमाम बयानबाजी लगातार नेताओं के द्वारा तो करी ही जाती है। हर नेता ये कहने में माहिर होता है कि सबसे बेहतर हम है, लेकिन एकनाथ शिंदे के लिए बड़ी मुसीबत तब साबित हो जाएगी जब राज ठाकरे जैसा बड़ा कद्दावर नेता शिवसेना में शामिल हो जाएगा और एकनाथ शिंदे की जो कमी खल रही है शिवसेना पार्टी को, उस कमी को दूर किया जाएगा, उस कमी की भरपाई भी राज ठाकरे के द्वारा कर ली जाएगी। और तब महाराष्ट्र में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मिल करके राजनीति में गदर मचा देंगे, क्योंकि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आते हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि महाराष्ट्र में क्षेत्रीय दल के तौर पर शिवसेना के मध्य मुकाबिल कोई पार्टी खड़ी नहीं हो सकती है। और एक समय में दोनों एक साथ हुआ भी करते थे, लेकिन उनके बीच कोई अनबन हुई और फिर दोनों के रास्ते जो है वो जुदा हो गए। लेकिन अब समय ऐसा आ गया है कि ऐसा लग रहा है कि राज ठाकरे उनकी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, और ऐसे संकेत उद्धव ठाकरे के द्वारा भी दिए जा चुके हैं। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, राज ठाकरे क्या शिवसेना के साथ शामिल होकर के शिवसेना को एक नई ताकत देते हैं, या फिर अपनी पार्टी के साथ रहते हुए अपनी पार्टी के लिए तमाम रणनीति बनाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ को। धन्यवाद।